विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों के दौरे पर इन दिनों मणिपुर में हैं। यहां उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। इसके अलावा जयशंकर इम्फाल के आईएमए मार्केट भी गए, जिसे पूर्ण रूप से महिलाएं चलाती हैं। अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसका जश्न देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जाएगा। मणिपुर भी उनमें से एक है। इस बात की घोषणा भी विदेश मंत्री ने इम्फाल में की। सुंदर पहाड़ियों और झीलों से घिरा एक राज्य मणिपुर, जहां 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने यहां के हर उस खूबसूरत जगह को करीब से देखा जो मणिपुर की पहचान है, जहां इस राज्य की परंपराएं सांस लेती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इम्फाल के लोकटक झील का दौरा किया। वह इम्फाल में जापानी युद्ध स्मारक भी गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इम्फाल के जापानी वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इम्फाल के बाहर स्थित रेड हिल्स पर मौजूद शांति स्मारक का दौरा किया। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि यह स्मारक उन घटनाओं की याद दिलाता है जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार देने में मदद की। विदेश मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के मोईरांग मुख्यालय का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आईएमए मार्केट भी गए, जिसे एशिया का सबसे बड़ा ऑल वुमेन इमा कैथल मार्केट भी कहा जाता है और जहां नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण मिलता है। इस बाजार की खासियत यह है कि यहां की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ महिलाएं संभालती हैं। मणिपुर में इस बाजार को मदर्स मार्केट, इमा कैथल या फिर नुपी कैथल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह बाजार करीब 500 साल पुराना है। 5000 से अधिक महिलाएं इसे संचालित करती हैं। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने इस मार्केट को नारी शक्ति की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक बड़ा उदाहरण बताया। टू मेक इट्स फुलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ इट, सो वी शुड ऑल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस प्लेस। सो आई एम रियली वेरी वेरी प्लीज्ड टू सी दैट। विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को मणिपुर में शुरू हुए मणिपुर संगई महोत्सव में हिस्सा लिया। वो शनिवार को मणिपुर के टिकेंद्रजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद शाम को उन्होंने एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इम्फाल में व्यापारिक समुदाय के साथ बैठक भी की। जयशंकर ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के साथ G20 इंडिया पवेलियन का भी दौरा किया। यहां उन्होंने कहा कि मणिपुर सहित देश भर में अलग अलग जगहों पर भारत का G20 अध्यक्षता का जश्न मनाया जाएगा।